अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अब्दुल मालिक खान साहब पटियोट जा रहे हैं जी। आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं। दोनों भाई हम जा रहे हैं पटियोट। ये जी चौंतरे से हम निकल रहे हैं। ये चौंतरा है जी, ये देखें, ये आपको गंदम दिखाते हैं। ये देखें गंदम तैयार है। और साथ ये भी आवाम से गुजारिश है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, माचिस की तीली या सिगरेट, आप गंदम के करीब ना फेंकें। ये गरीब का नुकसान है, उसकी साला साल की मेहनत है। तो ये भी हम उन्हें अवेयरनेस देना चाहते हैं कि इन दिनों जो फसल तैयार होने के करीब है और बाज जो है फसल बिल्कुल पक चुकी है तकरीबन, तो सिगरेट जो है वो यहाँ ना फेंके, माचिस की तीली ना फेंके। किसी किसान की साला साल की मेहनत जाया होने का अंदेशा है। ये जी हम नीचे उतर रहे हैं, आगे कोई नाला है। दोताल अब मालिक खान बता रहे हैं जी, दोताल है जी। हम आपको साथ साथ अपना सफर भी दिखा रहे हैं जी। सड़क टूटी फूटी है थोड़ी बहुत, उस तरह खस्ता हाल नहीं है जिस तरह दुमेल और पिंड सुल्तानी लिंक रोड आपको दिखा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी किसी किसी मकाम पे ये टूटी फूटी है, लेकिन उस किस्म की खस्ता हाली नहीं है जी। ये मकामी लोग हैं, वो ज्यादा मोटरसाइकिल को तरजीह देते हैं जी, क्योंकि यहाँ की ट्रेवलिंग मोटरसाइकिल ही है ज्यादा। मोटरसाइकिल आसान सवारी है जी इन लोगों के लिए। ये कुंडा से पटियोट रोड है। अब तो मालिक साहब इजाफा कर रहे हैं कि ये कुंडा से पटियोट रोड है, सिंगल रोड है। सिंगल रोड है, इसकी तोसी भी थोड़ी जरूरी है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये देखें इस जगह लोगों ने बाग लगाए हुए जी, जहां तसव्वुर नहीं था बाग का, यहाँ बाग लगा हुआ है। ये देखें गंदम भी आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अब पकने के करीब है जी गंदम। किसान की मेहनत है जी साला साल की, अल्लाह खरीयत से उनकी फसल तैयार करे, उन्हें मौका दे कि वो फसल काट कर उसका दाना खाएं। ये सफर है पटियोट का। अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं जी हम पटियोट जा रहे हैं जी दोनों भाई। आतवार का दिन है, मैंने इन्हें पाबंद किया, मैंने कहा जी आपने भी जाना है मेरे साथ। प्रोग्राम हमारा सोमवार का था, लेकिन आज ही हमने कहा कि सोमवार को नहीं, आज आ गए हैं तो आज ही चलते हैं। ये देखें जी आबादी, ये किसी की कोठी है जी। अब किसके है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप दिखा रहे हैं डिश भी ऊपर लगी हुई है। यहाँ के लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, डिशें लगाई हुई हैं, शहरों में कम है और यहाँ ज्यादा नजर आती है डिशें। ये जी हमारा सफर है खोंडा से पटियोट। हम एक पैकेज के लिए जा रहे हैं, पीर शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री जो है वो हमें कुछ थोड़ी बहुत मिली है, थोड़ी बहुत वहां से मालूम करेंगे, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। हमारा असल हदफ वो है। ये जी रत्ती कसी डैम का बोर्ड लगा हुआ है, हमने कहा अपने नाज़रीन को ये भी दिखा देंगे। ये देखिए गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, ये देखें नाजरीन लोग कितनी मुश्किल से सफर करते हैं, गाड़ियों के साथ लटक कर जा रहे हैं पटियोट। इक्का दुक्का गाड़ी चलती है जी यहाँ पे सवारी हो गई, लोग अपना जरा इस्तेमाल करते हैं जी। रत्ती कसी डैम को जाता है जी, कोशिश करेंगे जी
टाइम हुआ वापसी भी आप नाजरीन को दिखाएंगे रत्ती कसी टाइम। ये नाजरीन हम काल वाली बन इसको कहते हैं, यहाँ से निकले हैं। आपको ये दिखाते हैं काला चट्टा पहाड़ की मोड़े हैं जी, ये मोड़ आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता बटियोट को जाता है जी, जो आपको दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। ये देखें जी मोड़, ये आगे जी आबादी है, चक्की लगी हुई है गालबन, ये चक्की है जी आटा पिसाई की। देखें ये मोड़े हैं जी, मैं और अब्दुल मालिक खान दोनों आज बटियोट जा रहे हैं। 20 या सवार की स्टोरी हमने करनी है। हमारा जो प्रोग्राम था वो सोमवार का था, लेकिन आज एक अचानक हमें गांव आना पड़ा, तो फिर ऐसे हमने कहा इसी को कर लेते हैं। ये देखें जी तालाब, इससे मवेशी पानी भी वगैरह पीते हैं जी। अब हम काल वाली बन से निकल आए हैं जी, बटियोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अकबराबाद गांव का नाम है अकबराबाद। ये जी अब्दुल मालिक भाई बता रहे हैं कि अकबराबाद नाम है जी गांव का। यहाँ की देखें लेडीज़ ट्रेवलिंग करती हैं पैदल ही ज़्यादा, किसान जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा पैदल ट्रेवलिंग करती हैं। बड़ी खूबसूरती है जी इस इलाके में, बड़ा अच्छा इलाका है जी। ये देखें नाजरीन शफाखाना हैवानात सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी ढोक काला, और ये आपको बिल्डिंग दिखाते हैं जी। ये देखें जी बिल्डिंग इसकी, इतने दूर अफ्तादा इलाके में भी शफाखाना है जी हैवानात का, क्योंकि यहाँ अक्सरियत लोग जो है अपने मवेशी रखते हैं। ये इलाका ही ऐसा है, पसमानदा इलाका है, देहात हैं सारे। आगे के चलते हैं आपको साथ साथ दिखाते हैं जी। थोड़ा सा रोड जी है बटियोट जाते हुए टूट फूट का शिकार है जी, आपको साथ साथ रोड भी दिखा रहे हैं, साथ साथ आबादियां भी दिखा रहे हैं। जो भी अच्छी जगह आती है आपको दिखाते हैं, हम तो सफ़र कर रहे हैं साथ आपको भी एंजॉय करा रहे हैं। ये देखें पुली है और ये टूट फूट का शिकार है जी। यहाँ के MPA साहब को MNA साहब को इस तरह जानो तवज्जो देनी चाहिए। ये मेन रोड है जी, आबादियों को मिलाते हैं, लेकिन इस जानब तवज्जो नहीं देते जी। ये नाजरीन देखें काला चट्टा पहाड़ की आमद आमद है, ये दरख्त आपको दिखा रहे हैं रास्ते में। यहाँ स्पेशली आना पड़ता है जी, इक्का दुक्का गाड़ी है जो आती है, अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन एक बड़ी बात है कि यहाँ तक जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है ताते निगाह बिजली है यहाँ पे। एक अगर छोटी सी डॉक भी है वहाँ भी बिजली है। साथ साथ आपको गंदम भी दिखाते हैं जी, ये देखें जी ये नाजरीन ये है जी सत्तर बलोच का जवान है शहीद मलक मोहम्मद हमायूं ढोक अवान का, ये शहीद हुआ है जी सियाचिन में 16/1/2016 को। ये देखें जी ये यहाँ की ख्वातीन हैं जो पैदल ट्रेवलिंग करती हैं, ये दिखा रहे हैं जी आपको साथ साथ। बटियोट के करीब पहुँचने वाले हैं जी, ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो भी सफ़र करता है स्पेशली आता है जी, ये अलम है। ये देखें जी सिपाही अहमद नवाज शहीद, वालद मोहम्मद नवाज, ये भी दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ है जी वज़ीरिस्तान में जी, जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ है जी। हमारे इस इलाके के लोगों ने बहुत शहादतें दी हैं जी, अटक इस इलाके जो अटक का है, अटक डिस्ट्रिक्ट, इसके जो देहात हैं, बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जामे शहादत नोश की है जी, वतन की खातिर कुर्बानी दी है जी।
ये जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भटियोट का बोर्ड लगे हुए जी, ये हम यहाँ पहुँचे हैं जी। बॉयज भटियोट पहुँचने वाले हैं जी, तकरीबन स्कूल सामने नज़र आ रहा, ये सामने स्कूल है जी। ये जी एक पुरानी बिल्डिंग है, मेरे ख्याल में तो ये BSU होगा, देखते हैं आगे चल के ये किस चीज़ की बिल्डिंग है जी। पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है जी, पुरानी चार दीवारी है, अंदर बिल्डिंग भी पुरानी है। हाँ जी BSU है जी, मेरा सही ठीक था जी। ये बुनियादी मरकज़ सेहत भटियोट है जी, बहर इसकी हालत देखें जी, खस्ता हाल बिल्डिंग। ये दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को भटियोट BSU की बिल्डिंग जी, खस्ता हाल दीवार, खस्ता हाल बिल्डिंग। ये देखें नाज़रीन भटियोट हम पहुंचने वाले हैं जी, किकरियाँ नज़र आ रही हैं जी। भटियोट जो है गांव का मंज़र, किकरियाँ हैं जी। ये भी है जी जो रोड बने हुए हैं उनके बोर्ड लगे हुए हैं जी, मलिक अतबार के और मलिक ज़फ़र के और हाजी अल्ताफ। ये है जी भटियोट शरीफ, जहाँ आज पैकेज बनाने हैं जी पीर शाह सवार साहब पे, भटियोट सईदा। अब तो मालिक साहब ने मेरी तस्दीक की है, भटियोट सईदा है जी। आपसे वादा किया था कि हम आपको डैम दिखाएंगे रत्ती कस्सी वाला, उस जानब चल पड़े हैं। ये नाज़रीन रोड है, बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, रत्ती कस्सी डैम को जा रहा है। आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद डैम जाकर। ये देखें जी मवेशी चल रहे हैं रास्ते में, हम जा रहे हैं जी रत्ती कस्सी डैम। ये जी मोड़े काट रहे हैं, ख़तरनाक मोड़े आ गए हैं दो, ये काटते हैं सीधे होते हैं जी। डैम का अब करीब ही है जी, आपको दिखाते हैं रत्ती कस्सी डैम। ये है जी डैम का सिनेरियो। अच्छा ये डैम बना हुआ है जी, ये सामने गांव है जी रत्ती कस्सी, और ये है वो डैम, ये पहाड़ों में बना हुआ है जी। ये देखें ये रत्ती कस्सी डैम है जी। ये है जी नाज़रीन रत्ती कस्सी डैम, हमने आपसे वादा किया था कि भटियोट से वापसी पर आपको डैम दिखाएंगे। ये बच्चे हैं जी जो कर रहे हैं मछली का शिकार। ये है जी रत्ती कस्सी डैम का सिनेरियो, सामने गांव नज़र आ रहा है जी रत्ती कस्सी का, उसके किनारे है जी ये डैम, इंतहाई खूबसूरत। हमने वादा किया था कि वापसी पर भटियोट से वापसी पर आपको दिखाएँगे। मुझे अटक टू डी न्यूज़ को रत्ती कस्सी डैम से इजाज़त दीजिए।